डेवलपमेंट से भी हेल्थ केयर में कई नए बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पेशेंट्स, डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के बीच कम्युनिकेशन गैप, सैंपल आइडेंटिफिकेशन में गड़बड़ियां, डॉक्टर्स तक रिपोर्ट पहुंचाने में देरी, ये कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हैं जिन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सुलझाया जा सकता है और इसी काम में लगा है पुणे का लाइव हेल्थ। मेडिकल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लाइव हेल्थ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके जरिए अब हर काम मोबाइल की एक क्लिक पर करना मुमकिन हुआ है। सैंपल कलेक्शन, उन्हें डायग्नोस करना, रिपोर्ट्स बनाना, रिपोर्ट्स की डिलीवरी, पेमेंट जैसे सभी काम कंपनी ने ऑटोमेटेड कर दिए हैं। और इसके पीछे दिमाग है अभिमन्यु भोसले और मुकुंद मालानी का, जिन्होंने 2013 में लाइव हेल्थ की शुरुआत की। आप एक मेडिकल टेस्ट करवा रहे हो एंड आपको बिल करने के बाद जो आपका पेंडिंग बिल है, आप लाइक पूरा तो पेमेंट जनरली होता नहीं है, सो जो आपका पेंडिंग बिल है आप घर से भी वो पे करके आपका रिपोर्ट दे सकते हो एंड दैट इज द बिगेस्ट कन्वीनियंस दैट वी गिव टू द पेशेंट। सो द पेशेंट एसेंशियली डजंट हैव टू वरी अबाउट इट। नाउ ये चीज लाइक डायग्नोस्टिक्स और प्रोवाइडर्स को एक्सप्लेन करके गेटिंग देम ऑन बोर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट यू नो स्टेप एंड चैलेंजेस दैट वी हैव फेस्ड थ्रू आउट। बट जैसे जैसे हम लोग बात करने लगे, लोगों को समझने लगा कि ये सारा प्लेटफॉर्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एंड पेशेंट कम्युनिकेशन इतना वाइटल क्यों हो जाता है। लाइव हेल्थ के प्लेटफॉर्म का फायदा डायग्नोस्टिक सेंटर्स को सबसे ज्यादा होता है। कंपनी डायग्नोस्टिक सेंटर्स को पूरी तरह से ऑटोमेटेड करती है, जिससे काम आसान, सरल और जल्द होने में मदद हो रही है। हम लोग सबसे पहले एक कोई डायग्नोस्टिक सेंटर को ऑनबोर्ड लेते हैं ना, उसमें कैसा रहता है, हम लोग उनकी जो इंटरनल सिस्टम्स है, इंटरनल बिलिंग सिस्टम्स, इंटरनल मैनेजमेंट सिस्टम्स, हम लोग पूरे सिस्टम को हमारे लाइक इकोसिस्टम पे माइग्रेट कर लेते हैं। नाउ वंस दे आर लाइक यूजिंग लाइव हेल्थ प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग एवरीथिंग इनसाइड द सेंटर, दैट इज व्हेन हम लोग वो सेंटर को पेशेंट से इंटरेक्शन एनेबल कर देते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल हाइब्रिड है, B2B के साथ साथ B2C भी, यानी डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ साथ पेशेंट्स की सहूलियत का ख्याल भी कंपनी ले रही है। पेशेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से मुफ्त है और डायग्नोस्टिक सेंटर से 999 रुपए से 10,000 पर मंथ के हिसाब से कंपनी फीस चार्ज करती है। 15 शहरों में पहुँच बना चुकी कंपनी की सर्विस का फायदा फिलहाल 3.5 लाख पेशेंट्स उठा रहे हैं। कंपनी इस साल के अंत तक 50 नए शहरों में अपनी पहुंच बनाएगी, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखने की तैयारी भी जारी है। इस विस्तार के लिए कंपनी को 5 से 8 मिलियन डॉलर की जरूरत होगी, जिसके लिए कंपनी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मदद लेना चाहती है। कंपनी की इस ग्रोथ स्टोरी में मेडिकल रिपोर्ट्स के डिजिटाइजेशन से हर हेल्थ पैरामीटर को ट्रैक करने का फाउंडर्स का उद्देश्य तेजी से पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आगे जानेंगे